हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक के। आज हम डिस्कस करेंगे एल्कोलाइड्स। ओके, इससे पहले टर्पिनेट पूरा कंप्लीट हो चुका है, सभी वीडियो अपलोड है, ठीक है। एक बार देख लेना टर्पिनेट क्या होता है। अब देखते हैं हम एल्कोलाइड्स। ओके, तो जैसे टर्पिनेट का हम बनाए थे, कोई भी टर्पिनेट है उसका इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी, अकरनेस, यूजेस, सिंथेसिस, ऐसा स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बना है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी होगा। तो फिलहाल इसमें हम लोग इंट्रोडक्ट लेते हैं, इंट्रो के बाद क्लासिफिकेशन, देन स्ट्रक्चर डिटरमाइन अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एल्कलाइड्स क्या होता है। द टर्म एल्कलाइड्स, एल्कलाइड मीन एल्कली लाइक, एंड दिस टर्म इंट्रोड्यूस बाय जर्मन साइंटिस्ट एफ डब्ल्यू मेजनर इन 1819। ओके, सिंपल स्टेटमेंट है। एल्कलाइड्स आर नेचुरली अकर्निंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर बेसिक इन नेचर कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम नॉर्मली ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट है, वन और मोर नाइट्रोजन एटम इंक्लूड होते हैं, ठीक, इस पर कंटेन होता है। देन प्रॉपर्टी स्टेट, मोस्ट एल्कलाइड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कुछ एल्कलाइड आर क्या होता है, एमोरफस सॉलिड्स, सम आर लिक्विड, देम आर आइदर वोलाटाइल, मतलब निकोटीन वाली एग्जाम्पल है, नॉन वोलाटाइल की एग्जाम्पल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कुछ। ओके, जनरल इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में, फिर बाकी देखते हैं दूसरे में। कलर, कलर में क्या होता है, द मेजोरिटी ऑफ एल्कलाइड आर कलरलेस बट सम आर कलरफुल, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, कुछ में क्या होता है कलरफुल होता है, कुछ कलरलेस होता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी पे। बोथ एल्कलाइड बेस ऑन देयर साल्ट आर सॉल्युबल इन एल्कोहल, जनरली द बेस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक नॉर्मल से क्या था, एल्कलाइड का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे लगे तो वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लेना, ठीक है, आपके काम आएगा। ओके ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।